मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट खबर पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज को। और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं, हमको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं कैसा रहेगा पूरे देश के मौसम का हाल। बिपोर जॉय के चलते राजस्थान में भारी बारिश, जानिए मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी समेत इन राज्यों का हाल। साइक्लोन बिपोर जॉय के चलते कई प्रदेशों में बारिश देखी जा रही है। उधर मौसम के लिए भी स्थितियां अनुकूल बनी हुई है और वह दक्षिण व पूर्वी भारत के राज्यों में तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सब हिमालय, पश्चिम बंगाल अगले 5 दिनों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। यूपी में 4 घंटे में तेज तूफान के साथ होगी झमाझम बारिश, आईएमडी ने 21 जिलों को किया अलर्ट। मौसम विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश में 10 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। गुजरात के साथ ही राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में तूफानी चक्रवात की एंट्री हो चुकी है। 3 दिन तक उत्तर प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश की मानसून की दस्तक जल्द होगी। इससे पहले प्रयागराज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बनारस, आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, झांसी में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 40 की रफ्तार से आंधी चलेगी। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश के अनुसार उत्तर प्रदेश में 18 जून से बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग की माने तो 18 से 23 जून तक यूपी के कुछ जिलों में लगातार बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी। उन्होंने बताया लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, हापुड़, नोएडा, झांसी, बदायूं, संभल, रामपुर, अमरोहा, कासगंज समेत पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में 18 जून से बारिश शुरू होने का अनुमान है। राजस्थान में मौसम विभाग ने बाड़मेर, जालौर में अलग अलग क्षेत्रों में अत्यधिक भारी वर्षा होने का रेड अलर्ट जारी किया है। जोधपुर, पाली, सिरोही में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि जैसलमेर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में भारी वर्षा का अनुमान है। विभाग के अनुसार रविवार को बाड़मेर, जालौर, पाली और सिरोही जिलों के लिए रेड अलर्ट है, जबकि जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में भारी बारिश हो सकती है। जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा, बूंदी, टोंक जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। एसडीआरएफ के कमांडेंट राजकुमार गुप्ता ने बताया कि जिन जिलों में अलर्ट है यहां 30 बचाव दल तैनात है, वहीं जिला मुख्यालय पर 22 बचाव दल रिजर्व में है। मध्य प्रदेश में चक्रवाती तूफान बिपोर जॉय का असर दिखने लगा है। पश्चिमी क्षेत्रों में हवाओं की रफ्तार बढ़ गई है। अगले 3 से 4 दिनों तक कई इलाकों में बारिश की संभावना है। 24 जून को मध्य प्रदेश में मानसून प्रवेश कर सकता है। अगले 24 घंटों के लिए विभाग ने 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटों के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान कहता है भोपाल, धार, रतलाम, उज्जैन, नीमच, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर कला, पन्ना, छतरपुर जिलों में कहीं कहीं वर्षा और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा विभाग ने दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, उमरिया जिलों में कहीं कहीं गर्म रात होने पर और उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट जिलों में कहीं कहीं लू चलने की संभावना जताई है। 28 घंटों बाद तापमान में भी 2 से 4 डिग्री गिरावट संभव है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने इस समय इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की पूरी संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 18 जून से 20 जून तक दक्षिणी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 18 से 19 जून तक बिपोर जॉय चक्रवात का सबसे अधिक असर 2 से 3 दिन तक जारी रहेगा। इसी दिन 6 जिलों में दक्षिण हरियाणा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ और बिपोर जॉय चक्रवात की वजह से राज्य में बारिश और तेज हवाएं हो सकती है। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल और फरीदाबाद में बिपोर जॉय का सबसे अधिक प्रभाव रहेगा। मौसम की हर लेटेस्ट खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें यूएमबी न्यूज। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।